Zombie Apocalypse. हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आज स्वागत है अर्क्स रॉयल की कॉर्नर वीडियो में। तो गाइस, आज भाई काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद अपन खेल रहे हैं भाई अर्क्स रॉयल इवोल्ड। एंड भाई इतने दिनों से मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि भाई मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका था। तो भाई अभी मैंने न्यू मोबाइल ले लिया है, तो भाई अभी से अपन वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे। एंड जो भी भाई अपनी सीरीज बाकी थी उनको कंटिन्यू करेंगे। तो भाई आप लोग सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड बेल आइकन को भी ऑल पर क्लिक कर देना, जैसे कि भाई नेक्स्ट वीडियो आते ही ऐसे सबसे पहले आपको चल जाएगा। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में अपन बनाने वाले हैं एक सर्वर। भाई अपना जो सर्वर था पहले वाला, एंड उसका मतलब काफ़ी ज़्यादा लैग होने लगा है, एंड इसलिए भाई अपन आज न्यू सर्वर क्रिएट करेंगे। और अभी भाई पुराना वाला सर्वर चल रहा है, एंड जिन जो लोग भी उस सर्वर पर खेल रहे थे तो भाई ट्रांसफ़र कर लेना न्यू सर्वर पर। और आपको पता ही होगा, आप अगर खेल रहे होगे तो भाई कितना ज़्यादा लैगी हो गया था भाई हमारा पुराना वाला सर्वर। तो भाई आप लोग ट्रांसफ़र कर लेना। एंड आज के इस वीडियो में अपन सर्वर बनाएंगे भाई 32 स्लॉट का। तो भाई अभी तो मतलब नेट्राडो का इंटरफेस बिल्कुल चेंज हो गया है भाई, मतलब बिल्कुल ही चेंज हो गया है भाई नेट्राडो का बिल्कुल इंटरफेस, बिल्कुल अपडेटेड हो गया है भाई, पता नहीं कैसा है। एंड मैंने भाई ज़्यादा यूज भी नहीं किया है उसको। एंड आज अपन क्रिएट करते हैं, देखते हैं भाई कैसे सर्वर वगैरह क्रिएट होता है, मतलब अभी अपडेट हो गया उसके बाद। एंड अपन चलते हैं भाई नेट्राडो ऐप पे। नेट्राडो ऐप तो भाई प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप लोग अगर एंड्रॉयड टू मोबाइल में बना रहे हो तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और उसमें ईमेल वगैरह डाल के भाई आईडी वगैरह बनाना होता है, वो तो भाई ईजिली बन जाता है। एंड फिर अपन चलते हैं नेट्राडो ऐप पर, एंड वहाँ से भाई क्रिएट करते हैं अपना 32 स्लॉट का एक सर्वर। एंड गाइस, फाइनली अपन आ चुके हैं नेट्राडो ऐप के अंदर। एंड यहाँ पर भाई लॉगिन वगैरह तो मैंने कर लिया है। एंड अभी भाई ऐप खोलने पर ऐसा कुछ आता है ओवरव्यू, एंड इधर भाई माय सर्वर्स है, एंड ये भाई न्यू अकाउंट है। एंड इसमें मैंने भाई पहले से पैसे ऐड करवा लिए हैं, भाई हेमिंग भाई ने ऐड किए हैं पैसे इसमें। तो अभी केवल क्रिएट करना है सर्वर। ये भाई देखो, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, $50 है इस अकाउंट में। एंड अपने को भाई सीधे के बाई कर लेना है सर्वर। एंड बाई करने के लिए हमको इधर ऑर्डर वाले सेक्शन में आना पड़ेगा शायद से। एंड यहाँ पर भाई अपना गेम था आर्क सर्वाइवल इवॉल्व मोबाइल एंड स्मार्टफोन, एंड ये रहा, एंड ये रहा अपना स्मार्टफोन एंड मोबाइल वाला। एंड इस पर अपन क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पर सब्सक्रिप्शन एंड प्रीपेड है भाई, मतलब इसमें चेंज हो गया है। मतलब पहले तो केवल मतलब ऐसे ही क्रिएट हो जाता था, अभी सब्सक्रिप्शन एंड प्रीपेड बोल रहा है। मतलब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मतलब कार्ड से हर महीने कटेंगे ऐसा कुछ होगा, पता है नहीं। मैंने सब्सक्रिप्शन ही सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी। एंड यहाँ पर स्लॉट्स रखने हैं अपने को 32, एंड यहाँ से स्क्रॉल करके 32 सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड रन टाइम 30 डे का रखते हैं सबसे पहले, एंड चलो भाई 30 डे का यहाँ पर रख दिया। एंड रेंट फॉर $45 लगेंगे भाई 30 दिन का बनाने के लिए। एंड चलो भाई अपन यहाँ से रेंट कर देते हैं। एंड अभी यहाँ पर आ गया है गेम सर्वर 32 स्लॉट, एंड सब्सक्रिप्शन मोबाइल 30 डेज 32 स्लॉट्स, योर करंट नेट्राडो बैलेंस इज $50। एंड फिर यहाँ से अपने को ऑर्डर कर देना है, शायद से आ जाएगा यहाँ से करने से। चलो अपन करते हैं। एंड सर्वर इज प्रोसेस, दिस कैन टेक अ फ्यू मिनट, मतलब कुछ देर में ही आ जाएगा भाई अपना सर्वर। देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है, आ जाना चाहिए भाई जल्दी ही। एंड भाई मतलब बिल्कुल नेट्राडो चेंज ही हो गया है, मतलब पूरा सब कुछ चेंज हो गया। और यहाँ पर हो चुका है योर ऑर्डर वाज सक्सेसफुल, बैक टू दी ओवरव्यू। एंड चलते हैं पीछे एंड देखते हैं भाई सर्वर अपना आया, हाँ भाई आ चुका है यहाँ पे 32 स्लॉट का। एंड अभी इसकी भाई सेटिंग्स वगैरह करनी है, सेटिंग्स वगैरह पता नहीं भाई कैसे होंगी कि भाई न्यू अपडेट जब आ गया है उसके बाद मैंने भाई सेटिंग वगैरह भी नहीं किए हैं। एंड सर्वर ऑप्शंस है यहाँ से स्टार्ट एंड स्टॉप, एंड ये पता नहीं भाई क्या है कॉपी करने का। एंड सर्वर यहाँ पर भाई सारी इन्फॉर्मेशन है सर्वर के बारे में, एंड सर्वर ऑप्शन में होगा शायद। एंड यहाँ पर इवेंट लॉग, लॉग फाइल्स एंड जनरल में है अपनी सेटिंग। एंड खोलते हैं भाई अपनी सेटिंग्स एंड देखते हैं भाई सेटिंग्स वगैरह भी चेंज हुई हैं क्या।
नहीं भाई, ये क्या हो गया भाई? मतलब सब कुछ ये मतलब सेटिंग्स तो सारी की सारी अपनी पुरानी वाली ही हैं। एडमिन पास डिफिकल्टी, हाँ भाई सारी की सारी पुरानी वाली हैं। कुछ भी मतलब सेटिंग्स में चेंज नहीं है। बस केवल जो इंटरफेस था भाई ओपन करने पर, वो सब कुछ सारा चेंज हो चुका है। एंड यहाँ पर अपने को नाम क्या रखना है? नाम भाई अपना पुराना वाला रख देते हैं। एंड किस यहाँ पे मैंने नाम वगैरह तो लिख दिया है, इंडियन आर्क 22 MB YT एंड ये सब न्यू है तो न्यू लिख दिया है। एंड ओल्ड वाला सर्वर है उस पे वो भाई बंद हो जाएगा, तो भाई उस सर्वर से ट्रांसफ़र कर लेना इस वाले सर्वर पे। एंड डिस्क्रिप्शन में भाई लिख दिया है, बाद में हेमिंग भाई चेंज करते रहेंगे। एंड इधर भाई है मतलब इनेबल PvP डंजन्स, इसको ऐसा ही रहने देते हैं। एंड सर्वर इंफॉर्मेशन URL में आप अपना लिंक डाल सकते हो, जिस भी मतलब यूट्यूब एंड डिस्कॉर्ड एंड व्हाट्सएप वगैरह का, तो भाई लोग इन्फो पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पर मैं डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक डाल दूंगा बाद में। एंड यहाँ पे रीज़न करना है अपने को एशिया, एशिया में पिंग सही रहता है भाई इधर का। एंड सर्वर पासवर्ड, सर्वर पासवर्ड तो नहीं लगाना है अभी। एंड एडमिन पासवर्ड में क्या, अभी उसको भी बाद में करेंगे एडमिन पासवर्ड वगैरह। एंड प्रीमल पास को अभी एक्टिवेट ही रहने देते हैं। एंड सर्वर ट्रांसफ़र सीक्रेट, इसको भी बाद में अपन सेट कर देंगे। ये सर्वर ट्रांसफ़र सीक्रेट ये होता है भाई, आप जब दूसरे सर्वर से इस सर्वर में ट्रांसफ़र करते हो तो वहाँ पर मतलब ये सर्वर ट्रांसफ़र टिकट का ज़रूरत पड़ता है, मतलब जो इस सर्वर से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो एंड जिस सर्वर पे ट्रांसफ़र कर रहे हो, दोनों सर्वर का ट्रांसफ़र कोड यहाँ पर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1234 है, और जिस सर्वर से करोगे आप ट्रांसफ़र उस सर्वर का भी 1234 होना चाहिए, तभी भाई आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। वरना आएगा वहाँ पे दिस मतलब सीक्रेट कोड नॉट मैच, इस तरह का कुछ आएगा। तो भाई ये मतलब सीक्रेट कोड जो है ये सेम होना चाहिए दोनों सर्वर का, फिर ये आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। एंड यहाँ पर डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी अभी के लिए मीडियम ही ठीक है। एंड XP मल्टीप्लेयर 4 कर देते हैं अपन अभी। एंड चलो यहाँ से सर्वाइवर को हटा के कैजुअल कर देते हैं। कैजुअल में किसी का भाई वेपन्स वगैरह मारने के बाद जाएंगे नहीं। एंड यहाँ पर PvE ही रहने देते हैं। एंड क्लॉक जोन ये तो भाई PvX वाला है, इसको नहीं करते हैं कुछ, इसी तरह से रहने देते हैं। एंड यहाँ पर है डिसअलाउ क्राफ्टिंग स्टेशन, इसको भी नहीं छेड़ना है अपने को। और यहाँ पर अलाउ बिल्डिंग्स नियर केव्स एंड ऑब्लिस्क, एंड इसको अपने को अलाउ कर देते हैं अभी। बेड वगैरह लगा सकते हैं फिर। एंड स्ट्रक्चर DK ऑन कर देते हैं। एंड डिसेबल ऑटो टेम अनक्लेम, इसको आप ही डिसेबल अपन कर देते हैं। एंड मैक्स नंबर ऑफ ट्राई मेट्स को बाद में अपन चेंज कर लेंगे। एंड डिसेबल वेदर इफेक्ट्स, इसको अपने को डिसेबल करना है, नहीं तो आसमान हरा नीला पीला हो जाता है। एंड डिसेबल फ्रेंडली फायर, ये अपना टिक ही रहने देते हैं। अलाउ ट्राइब इम्प्रिंटिंग एंड सप्लाई ड्रॉप्स इन PvP ऑन करते हैं। टेक सप्लाई ड्रॉप्स ऑन करते हैं। फ्लायर डैमेज डीबफ ऑन रहने देते हैं। एंड इससे मतलब कोई भी डैमेज देगा फ्लायर को तो उसकी थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है। एंड फ्लायर डैमेज डीबफ इन PvE, इसको वैसा ही रहने देते हैं। एंड यहाँ पर राफ्ट पे बिल्डिंग है, इसको मैक्स कर देते हैं 5। एंड XP प्लेयर कर देते हैं फुल 100 लेवल मिलेंगे जो भी बंदा ज्वाइन होगा। एंड कितने जीरो हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ ज़्यादा ना जीरो लगा दिए हूँ मैंने। एंड हार्वेस्टिंग मल्टीप्लेयर यहाँ पे 3 कर देते हैं। हार्वेस्ट करेगा कोई बंदा तो ज़्यादा उसको सामान मिलेगा। एंड मेटिंग मल्टीप्लेयर में अपने को करना है स्मॉलर वैल्यू करना है यहाँ पे 0.01। एंड एक हैच स्पीड 5x। एंड बेबी मिच्योर स्पीड बड़ा हो, मतलब कितनी स्पीड में बड़ा हो बेबी आपका, वो 5 कर देते हैं मैक्स। एंड इम्प्रिंटिंग स्पीड 3 कर देते हैं। एंड डे टाइम स्केल करना है अपने को 0.25। एंड नाइट टाइम स्केल 3x, नाइट ज़्यादा भाई जल्दी बीतेगी। एंड क्रॉप ग्रोथ रेट 5x। एंड नीचे भाई रिसोर्सेज स्पॉन मल्टीप्लेयर, मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज स्पॉन होंगे भाई कितने टाइम में। एंड यहाँ पर 1 ही रहने देते हैं अभी, बाद में भाई हेमिंग भाई चेंज कर लेंगे। एंड डिफिकेशन मल्टीप्लेयर 1 ही रहने देते हैं। एंड यहाँ पे फ्लायर डैमेज डिबफ, मतलब इसको अपन अगर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो भाई कोई डाइनो अगर डैमेज देगा फ्लायर को तो
तो उसकी स्पीड भाई रुक ही जाएगी एक तरह से। इसको ऊपर नहीं चढ़ते हैं एंड अभी सेव चेंजेस कर देते हैं यहाँ से। एंड चलो भाई यहाँ पे हमारी सारी की सारी सेटिंग्स तो सेव हो चुकी हैं एंड बस भाई बैक करके अपने को रिस्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर। बैक करते हैं भाई, बैक हो जा। एंड चलो यहाँ से अपने को स्टार्ट एंड स्टॉप का ऑप्शन है एंड भाई रिस्टार्ट का ऑप्शन नहीं है अब। भाई रिस्टार्ट कहाँ से होगा, स्टॉप पहले ले करें फिर स्टार्ट करें। एंड योर सर्वर इज स्टॉप्ड, अभी स्टॉप हो गया है, अभी तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। बैक करते हैं अपन, ये रहा सर्वर अपना एंड अभी ऊपर स्टार्ट करते हैं। योर सर्वर विल बी रिस्टार्ट। एंड चलो भाई ठीक है, अभी रिस्टार्ट हो रहा है एंड कुछ ही देर में अपना सर्वर आ जाएगा, फिर भाई अपन सर्वर पे जाके खेल सकते हैं। इनके सभी देखते हैं अपना सर्वर आया नहीं आया। भाई ये कीबोर्ड छोटा हो गया, भाई मैंने गेम के अंदर आके कीबोर्ड खोला ही नहीं था। मेरे को भाई बड़ा करना है कीबोर्ड, किधर से होगा पता नहीं। एंड फ्लोटिंग ये वाला था भाई, हो गया बड़ा अपना। एंड अब अपन सर्च करते हैं एंड ये सर्वर भाई ऑनलाइन है। ये वाला भाई पुराना वाला सर्वर है बस एक स्लॉट का, जो भाई पहले चलता था। ये भाई पे स्ट्रक्चर एंड टेम्स हो गए इतने ज़्यादा हो गए हैं कि भाई काफ़ी ज़्यादा लैग करने लगा है, इसलिए भाई अपना न्यू वाला क्रिएट कर लिया। एंड अभी अपन स्पॉन करते हैं ऑब्लिस्क पे। एंड ऑब्लिस्क पे तो भाई किट वगैरह था एंड जो भी भाई लोग खेलते थे एंड वो लोग भाई ट्रांसफ़र कर लेना अपना सामान। एंड चलो भाई अपन सर्वर के अंदर तो आ चुके हैं एंड यहाँ पर तो कुछ नहीं है एंड सर्वर पे कोई लोग खेल भी नहीं रहा है शायद। एंड यहाँ पर भाई आरजीज वगैरह रखी हैं ये दूसरे लोगों की हैं। एंड इसमें किट वाला सामान था, इसमें भाई सामान वगैरह बचा ही नहीं है। एंड हाँ भाई मतलब सर्वर क्रिएट हो चुका है, उसके मतलब 1 वीक में किट वगैरह सब, मतलब किट वगैरह नहीं मतलब ये जो मतलब रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज भाई रेड ऑब्लिक पे रख देंगे। एंड मतलब 1 वीक तक वेट कर लेना पहले, इतना भाई रिसोर्स भर के रखना पड़ता है भाई सारा, मतलब सेटअप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है यहाँ पे। तो भाई थोड़ा सा वेट कर लेना, 1 वीक में सारा किट वगैरह भाई रेडी हो जाएगा। और भाई आज की इस वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया सर्वर के बारे में एंड अपना भाई न्यू सर्वर आ चुका है एंड पुराना वाला सर्वर काफ़ी ज़्यादा लैगी हो गया था। भाई चिड़िया उड़ रही है, मेरे को लगा कोई बंदा है। एंड यहाँ पर भाई हरा नीला पीला पता नहीं क्या क्या बना के रखे हैं लोग। एंड तो भाई अपना न्यू सर्वर आ चुका है एंड तो भाई आप लोग ट्रांसफ़र कर लेना। एंड भाई जिन लोगों को भी नहीं पता है भाई ट्रांसफ़र कैसे करते हैं एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे, वो लोग भाई हमारा पुराना वीडियो देख लेना, मैंने 2 वीडियो बनाए हैं भाई ट्रांसफ़र के ऊपर सर्वर टू सर्वर, एंड वो वाला देख लेना। या तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा उसको आप देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा। एंड तो गाइस फिर आज का वीडियो अपन यहीं पर एंड करते हैं। भाई साहब बहुत ही आगे पीछे हो रहा है भाई, नेटवर्क नहीं अच्छा चल रहा है। तो भाई से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। भाई साहब फिर से आगे पीछे हुआ, तो गैस फिर मिलते हैं आपको भाई आर के किसी नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह से भाई आर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए भाई हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गैस फिर बाय बाय।